हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। हम भी बढ़िया है भाई। तो बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ कंटेंट ही नहीं था यार। तो हम कुछ बना भी नहीं रहे थे और ऊपर से अच्छे रिव्यूज भी नहीं आ रहे थे वीडियोस में, मतलब व्यूज ही नहीं आ रहे थे वीडियोस में। तो हमने सोचा कि क्या ही बनाने, फिर आज फिर से चल पड़े। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा हो रहा है हमारा यार, उसमें दो तीन वीडियोस हमारी काफी मतलब चढ़ चुकी है। पर अभी हम निकल चुके हैं न्यू शिमला से। आज आपको दिखाएंगे शिमला का हाल, संडे को क्या क्या हो रहा है शिमला में। आप कितनी उगा दी है, क्योंकि ब्लॉग लोग तो बना नहीं रहे थे तो ऐसे उग जाता है भाई। अब कुछ नेक्स्ट ट्रिप बनाते हैं कहीं की, और तभी बनेंगे ब्लॉग। ऐसे क्या ही दिखाया यार, ना ज़्यादा व्यूज आते फिर यूट्यूब में, ना कुछ हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं और अब फिर से लगेंगे हम। अब आपको ब्लॉग दिखते रहेंगे, क्योंकि बीच में होता ना मोरल डाउन सा हो जाता है। तो आज चलते हैं। आज उज्ज्वल भी आ रहा है गाँव से, बहुत टाइम से पता नहीं क्या गोच रहा था गाँव में, ना ब्लॉग डालता ना कुछ, फिर मुराल ही डाउन हो जाता है। तो अभी बात करते हैं क्या सीन है। अभी वो भी मल्याणा आ रहा है, हम भी मल्याणा जा रहे हैं। अभी रुके यहाँ पे न्यू शिमला में, विकास नगर में। और ये पता नहीं क्या बना रहे हैं भाई, यहाँ पे ईंटें पता नहीं क्यों लगाई हुई है। और एक ट्रक और बस वाला फंस गया है शायद, कुछ सीन हो चुका है आगे। और ये टैक्सी ड्राइवर हम देखो कहाँ खड़ी हुई है। वाह यार मेरे भाई, क्या बोलेगा लबू क्या भाई, जो भी ये गवर्नमेंट कर रही है ना भाई, बहुत अच्छा काम कर रही है। पर थोड़ा पहले किया करो ना यार ये चीज़ें, बाद में क्यों याद आता है तुम्हारे को भी। तो मानसिक संतुलन खो चुका हूं। और यहाँ इतना ट्रैफिक लग रहा है ना, खो चुका है तू मानसिक संतुलन क्यों इस ट्रैफिक से? क्योंकि बीजेपी की चार सीटें आ गई यार। दुख तो बहुत हुआ जब विक्रमादित्य आ रहा ना, उस उनको नहीं हारना चाहिए था यार। क्यों? सैड, वेरी सैड। हम तो भाई फुल सपोर्ट था कांग्रेस को, पर क्या करें, हमारी साइड से तो हमने फुल वोट दिए थे, पर मंडी वालों ने गेम खेल ली विक्रम के साथ, विक्रम जी के साथ, राजा साहब के साथ। हमारे हमारा तो वोट था अभी नहीं उसको। किसको? विक्रमादित्य को। क्यों? हमारा तो शिमला वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ वही बोल रहा हूँ हमारा तो सुल्तान क्या था, सुल्तानपुरी। हाँ उनको विनोद सुल्तान। बाकी पता नहीं यार क्या सीन हुआ है, ये विक्रम को हरा दिया यार, वेरी सैड। चलो कोई नहीं, पर सेंटर में बीजेपी आनी चाहिए थी, सेंटर में तो बीजेपी चाहिए, पर चलो हमारी स्टेट में है हमारे पास। भाई क्या कर रहा है यार, हैंड ब्रेक कर रहा है डाउन, मतलब ब्रेक नहीं लगती। मान लोकेशन पे मल्याणा में, और मंगवा दी हमने चाय गाइस। इतनी गर्मी हो रही है ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है बताऊँ। शिमला में टेम्परेचर आपकी देख के ना फट जाएगी, फट 30 डिग्री है शिमला में। तो नीचे क्या हाल हो रहा होगा? नीचे होने कम से कम 81 डिग्री इतना तो नहीं है, पर भाई फट रही है। और इतनी गर्मी में देखो भाई, चाय नहीं रुकनी चाहिए, चाय जो मर्जी हो जाए। और लबू तो चाय का किंग है, जहाँ भी जाएगा चाय। एक बार दिखा दे कैसे पीता है तू चाय लोगों को पूरी बात सुनता है यार। अपने बंदे पहुंच चुके हैं, अगर आपको दिख रहा हो ना हल्का हल्का, ये देखो आ गया है लबाड़ गाँव से। नमस्कार, नमस्कार भाई जी, और ठीक है आप? और सन क्या हालचाल? बढ़िया। कहाँ से आए आप, उल्टे रूट से कहाँ से आ रहे हैं? किसको? बेवकूफ है ना, फोन नहीं कर सकता पहले। अरे तो मैं निकल गया था ना, मेरा जाना पड़ा, मैं निकल गया था, फिर मैंने सोचा। और बड़े टाइम बाद आया भाई उज्जवल जी, क्या चल रहा है गाँव में ऐसा जो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है? सोने की खान तो नहीं निकल गई है? हम जो है दिहाड़ी में लबू और मैं, मेरे भाई कोई काम नहीं हमारे पास। और हैंडसम बॉय आ चुका है स्पेशली फ्रॉम इजराइल। और अमन जी कैसे हो आप? बढ़िया। कैमरा ही ढक दिया था मैंने आपके चक्कर। दोनों गाड़ियां लेके आज शिमला की गेड़ियां मारते, बहुत टाइम से घर पे सो सो के डिप्रेशन में जा चुके हैं। डिप्रेशन भी ऐसा थोड़ी हो रहा है मेरा भाई, हर कैसा डिप्रेशन हो रहा है आज। आज हमने सोचा कि गेड़ियां मारते हैं, कार में घूमते हैं बड़े बड़े, और आपको भी दिखाते हैं शहर में क्या हाल चाल। नहीं तो चीखने की क्या जरूरत है? शुरू करने वाले एक नया बिजनेस, और सच बोल रहे हैं, हम सच में एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। आ गई ना आवाज उस बिजनेस की तो भाई ये वाला कुछ बिजनेस हम भी शुरू करेंगे। क्यों? हम खोलने वाले एक पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा, देखते हैं। अभी हमने सोचा तो है, देखते हैं आपको लग जाएगा व्लॉग्स में पता अगर हमने खोला। वेट कर एक हाथी का, क्यों जितना गोरा अमन है ना उतना ही काला दूत है वो, और आ चुका है भाई हमारा मोटा भैंसा। और देखो पूरा काढ़ा बना भाई, ओए मोटी हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा तू आज है? उसको देनी पड़ेगी मेरा भाई, इतनी हीट कहाँ ले जाएगा, पूरा काला भाई। पीछे तो पिटाना नहीं था वो भैंसे को, आगे बिठाना पड़ेगा भाई। और क्या हाल चाल है कार्तिक? बहुत बुरा भाई,
कट गई। पहुंच चुके हम तलाई में, और तलाई में देख सकते हो आप यार, बहुत टाइम बाद आए हम, एक दो महीने बाद, और खाली है पर गाड़िया गुड़िया आजकल चली है, और काला सांड गोरा हो गया भाई, सुधर गया लड़का अपना। पर अगर किसी को पता है ना इसके बारे में कुछ, तो हमें एक खबर दे दे और हम बता देंगे इसके घर वालों को। तेरे घर वाले हमारी ब्लॉग देखते, चक दे चक दे, 20 रुपए सारे चक, वो जितने सिक्के। और गैस बैठते हैं यहाँ पे, उसके बाद मारेंगे जॉली की गेड़ियाँ, उसके बाद जाएंगे आज घर, आज पूरा एंजॉय करेंगे हम सारा दिन। क्यों, कितने हुए टोटल, गिनती आती है? तो ये 20 22 25 यार हो गए सिगरेट के पैसे, मोटे ने पार्टी दी है। और देखो रंग कौन सा चूज किया इसने, मैं बोल रहा था दूसरा ले ले कोई। साढ़े हराम खोर खुद बोल रहा है यार गाड़ी। और भाई हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वो गाड़ी में बैठे और हम यहाँ दो ही खा रहे थे आइसक्रीम। हम बहुत गंदे, पहले सोचे थे भी खादी के लिए ले ले, फिर मैं आगे तरस ही नहीं आया। यस। और भाई जो भी ये मेरे गालियां दे रहे हैं ना, मैंने नहीं खरीदी है, मोटे ने खरीदी है। बंदे ने क्या बोला कि भाई कंजूस बनना सीखो। वाह यार इतनी अच्छी सीख दे गया मोटा, मजा आ गया। बुला ले इनको यार, ऐसा है कुछ, बंदों को आ गया घर से फोन, हमारे को जाना पड़ेगा घर। क्यों, और एक सीन मैंने बताया नहीं, इस मोटर ने अपनी गाड़ी बेच दी भाई, और उसमें चलाना पता कितने के थे, 90,000 की, फिर भी बिक गई, फिर भी बिक गई। कितने में बेची? 140 में बेची है, 2020 का सिलेरियो मॉडल, तभी आया 80,000 के चलान के साथ। चला गाइस आ चुका है काड़ा बैल गाड़ी चलाने, हमारा ड्राइवर पर्सनल ड्राइवर आ चुका है, और बंदे ने 2 महीने से गाड़ी चलाई है क्योंकि गाड़ी है नहीं इसके, और उज्जवल की फट चुकी है अंदर ही अंदर, और इसमें ना भाई पीछे ताकी नहीं है, गुस्से तो भाई हम तो ना जायज ही जाएंगे नीचे तक, ये पिल्लर है ये। हां ये तो है वैसे, चलो देखते हैं क्या बनता है, इनकी टफनेस चेक करें। चल भाई काड़े काड़ी शक्तियों को लेके आराम से चला ले मेरा भाई। ये तो एडजस्टिंग गाइस, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो शक्ल देखिएगा लगाना चाहते छट्टा की नहीं शक्ल आ रही थी, जाऊं पाकिस्तान पे मां। हां हां मां चौधरी की बहन, इंडिया पे 1,000 पाकिस्तान पे 2,000 लगाएगा कोई है? इंडिया पे 1,000 पाकिस्तान पे 2,000 ठीक है, मैं भी पाकिस्तान पे लगाऊंगा आज, मैं भी क्योंकि आज पाकिस्तान जीत गया शायद से, चुके हैं संजौली, लेकिन आज नो गेड़िया, हम जाएंगे घर घर क्योंकि आज है मैच, मैच खेलना है भाइयों में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से। हाँ तो पाकिस्तान में लगा था मैं अपना ब्लॉग एंड करना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और यहाँ देखो ठीक।